हे गाइस, तो आज हम यहाँ मौजूद हैं लाड़कना में, ले रहे हैं जनरल पब्लिक के व्यूज। तो उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने एक रखा है ट्विस्ट। तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा, चल के देखते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, ठीक है। तो आप अपना नाम बताएं। गुलजार अहमद शेख, एजुकेशन से वापस। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह बहुत खूब। हम लोग आज इस सिलसिले में यहाँ मौजूद थे लाड़काना में। ये जो मोदी जनाब जो हैं, पाकिस्तानियों को बहुत यानी कि धमकियाँ लगा रहे हैं, उस पर आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, ये जो त्यारे उनके जो तबाह किए ना पाकिस्तान ने, अब उनके मेरे ख्याल में हवा निकल गई है। अब उनके जो हालात हो गए, अभी जो मैंने सुबह भी टीवी देखी है, वहाँ पर अपोजिशन बहुत शोर मचा रही है और उनकी पोजीशन बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। और अब टिकटॉक मिसाइल के बारे में भी हमारे बताएं। टिकटॉक मिसाइल जो हमारा पाकिस्तान का है, माशाल्लाह ये टेक्नोलॉजी जो थी, पहले तो ये एटम बम जो था, हमारा ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का एहसान है पाकिस्तान पर। के साथ साथ जो हमारे ट्विटर जहाज़ आए, उनके बारे में भी कुछ बोलें। ट्विटर जहाज़ जो आए हैं, कहाँ से आए हैं? वो पाकिस्तान के जहाज़ हैं जिन्होंने जो अभी जो तबाह किए हैं ना, वो माशाल्लाह जो है वो हमारे पायलट भी अच्छे थे और हमारे जो पोजीशन थी वो हमें पहले ही खतरा थे उनसे, कभी भी वो अटैक पहली दफ़ा नहीं हुआ है, ये बार बार इन्होंने जो है ना अटैक किए हैं, मगर पाकिस्तान जो है वो छोड़ रहा था उनको। मगर अभी जो वार्निंग दी थी इमरान खान ने, वज़ीर आज़म ने, उसको सलाम है, उसने कहा कि अभी जो आएंगे हम उनको नहीं छोड़ेंगे, वापस नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सलाउद्दीन। यह जो मोदी है और पाकिस्तान को जिसके तरीके के यानी कि जवाब कर दे रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तो जालाना किस्म के वो बयान देता है। असल में वो शासदान है ही नहीं, वो तो चाय वाला है ना। हाँ। तो उसका जो माइंड है वो भी तो वैसा ही होगा ना, काम वैसे ही करता होगा ना। अगर शासदान होता तो जारी से वाला माइंड भी सेटअप उसका वैसा ही होता, सही जवाब भी वैसे ही देता। अच्छा, आप उसको टिकटॉक मिसाइल के बारे में कुछ बताएं हमारे। इसके बारे में सर, मोदी को बताएं कि हमारा मिसाइल जो है टिकटॉक। हाँ जी, हाँ सर, ये तो जब वक्त आएगा तो फिर उनको पता चलेगा ना, अभी तो ये जो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। मिसाइल बताओ, बहुत तेज है वो, इंशाल्लाह मिनटों में पहुंच जाता है। हाँ, और उसके अलावा हमारे जो अभी नए ट्विटर जहाज हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहें आप? हाँ सर जी, वो भी तो इंशाल्लाह काम करके दिखाएंगे जब वक्त आया तो। अभी तो मोदी का दिमाग जो ना वो काम नहीं कर रहा अभी। अभी उसके साथ साथ पाकिस्तान ने एफ बी बम भी कर लिया है। तो बहुत सा कलेक्शन पड़ा हुआ है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा कलेक्शन पड़ा हुआ है, पर सही असर आया है कि हम पुरम तरीके से बातचीत के तरीके काम जो है ना असर हल करना चाहते हैं। मोदी जो है ना वो बात समझ नहीं रहा। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी सर जी आपकी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है अंकल। आपसे हमने ये ज़रा मालूम करना था, ये जो मोदी है पाकिस्तान को यानी कि जिस तरीके के जो है जवाब दे रहा है, धमका रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन भाई? मोदी। मोदी कौन है? मोदी वो इंडिया में चाय बेचने वाला है। इंडिया का है यार, भाषाएँ कौन है वो? तो मनमोहन ने था वो। नहीं, अभी वो चाय वाला है, वो अभी उसको दे दिया, उसको एक दिन का वो मंत्री बना दिया। अच्छा, 5 साल के लिए बना दिया। मगर कोई वैसा कुछ बोल रहा है क्या? बोल रहा है नहीं, यानी कि आपको भी नहीं पता उसके बारे में? मैं तो पढ़ा हूँ खबर अभी। ये देखो जी, भारत, ये हमारे चाचा जी जो मोदी के बारे में बोलेंगे, है कौन ये, है किसका बच्चा, ये भी तक अभी मालूम करना पड़ेगा हमें। चाचा ने एक और सवाल हमारे लिए पैदा कर दिया कि मोदी है कौन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। आपका नाम? मैं सैयद सईद अली शाह। अच्छी, ये जो मोदी है जो जिस तरीके के यानी कि पाकिस्तान के बारे में यानी कि बातें कर रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे उसको? उसको यही कहना चाहेंगे कि जो कर रहा है वो अपने आगे खुद भुगत रहा है, हम तो खामोश हैं, अल्लाह जवाब दे रहा है। हमारी पाक आर्मी भी माशाल्लाह से आपके सामने किस तरह जवाब दे रही है उनको। और जो हमारे टिकटॉक मिसाइल जो है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो तो बेहतरीन है हमारा मिसाइल। और जब पाकिस्तान ने जिस तरीके से हम नई टेक्नोलॉजी पर जहाज़ों की काम करना शुरू कर दिया, ट्विटर जहाज, उसके बारे में क्या कहोगे? बस अल्लाह हमारा साथ है, पाक आर्मी बहुत बेहतरीन काम कर रही है, अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमारी फतह ही है। इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना है, इंशाल्लाह जी पाकिस्तान। और ये जो पाकिस्तान ने अब नए नए यानी कि तजुर्बे किए हैं, उसमें एक एफ वी बम के नाम से भी बम, उसमें आप क्या कहना चाहोगे मोदी को कि भाई बच के रहना, हमारे पास एफ वी बम भी है?
बच के क्या रहना, बस मोदी को यही कहना चाहेंगे कि भाई जो प्रोपोगेंडे चला रहा है उसकी सारी जो है हमारी पाक आर्मी के, हम जवानी काफ़ी है उसके लिए, हम पाक आर्मी के साथ खड़े हैं हमें। अरे जी चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।